विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले रखी ये तीन मांगे, जिनको सुनने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी परेशान हो गया है। क्या हैं वो तीन मांगे, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कीजिए सब्सक्राइब, और साथ में दबाइए घंटी के निशान को ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में आयोजित हुई एक मीटिंग में क्रिकेट बोर्ड को टीम की ओर से मांगों की एक लिस्ट सौंपी है। इस लिस्ट में अगले साल यानी 2019 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर टीम की ज़रूरतों के बारे में बताया गया है। क्या है वो मांगे, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। उस लिस्ट में जो मांग है उनमें से सबसे पहली मांग तो यह है कि हम अपने साथ अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को रखना चाहते हैं वर्ल्ड कप के दौरान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों ने CEO के आगे मांग रखी है कि उन्हें अपनी पत्नियां साथ ले जाने की अनुमति मिले। वर्तमान नियम के अनुसार क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ की पत्नियों को विदेश में सिर्फ 2 सप्ताह साथ रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन विराट कोहली चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उनकी वाइफ उनके साथ रहे, यानी अनुष्का शर्मा, और बाकी खिलाड़ियों की वाइफ और या उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ रहे। दूसरी मांग काफ़ी दिलचस्प है। यह विराट कोहली की अगली मांग है, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को खाने के लिए केले दिए जाएं। खिलाड़ियों ने कहा है कि हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर उन्हें केले खाने को नहीं मिले थे, और इंग्लैंड में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के लिए केलों का इंतजाम BCCI को करना चाहिए। ये उनकी दूसरी मांग है जो काफ़ी अलग है। तीसरी मांग, खिलाड़ियों के लिए बुक हो ट्रेन की पूरी बोगी, ऐसा विराट कोहली कह रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की डिमांड है कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड में टीम के ट्रैवल के लिए ट्रेन की पूरी बोगी बुक होनी चाहिए ताकि टीम को आम यात्रियों के साथ यात्रा ना करनी पड़े। तो विराट कोहली की ये तीन दिलचस्प मांगे BCCI से हैं आगामी वर्ल्ड कप के लिए। तो देखना है कि क्या BCCI विराट कोहली और उनके साथी खिलाड़ियों की इन तीनों मांगों को पूरा कर पाती है। तो उसके लिए आपको देखना होगा 2019 वर्ल्ड कप। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।